हेलो हाय गाइस, वेलकम टू लव आर्ट एंड फैमिली। मैं हूँ रीनू सिंह। तो आज हम बनाने वाले हैं न्यू ईयर कार्ड। तो उसके लिए मैंने ये दो कलर के पेपर ले लिए हैं। A4 साइड शीट है, इसको हमने कुछ इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर दिया है और बिल्कुल ऐसे ही फोल्ड करेंगे हम ब्लू वाला भी। और इसको फोल्ड करने के बाद हम स्क्वायर शेप में ला करके कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि पीछे की साइड से स्क्वायर शेप दिखाई देगी इस तरीके से, और बाकी के पोर्शन को हम कट कर लेंगे। ठीक है, इसे कट करने के बाद हम पेंसिल से इसमें कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और इसे हमें अब कट करना है। ठीक है, तो हम इसे कट कर लेंगे। तो हम एक बनाने वाले हैं पॉपअप कार्ड। ओके, तो इसको कट कर लेंगे और इसे फिर हम लगाएंगे जो हमने येलो वाला कार्ड हमने फोल्ड किया है उसमें हमें इसे लगाना है। ठीक है, तो ये किस तरीके से लगाना है ये हमें देखना है। और हाँ, मुझे पता है मेरी वीडियो बहुत दिनों बाद आई है। अभी सर्दियों के टाइम में ना स्कूल का टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो गया है तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता। अभी छुट्टी है तो मैं बना पा रही हूँ ये वीडियो, तो उसके लिए सॉरी अभी वीडियो नहीं आ पा रही है। थोड़ा सा टाइम ठीक होगा तो मैं देखूँगी जल्दी से जल्दी वीडियो मैं लाऊँ, रूटीन से लाऊँ। कम से कम हफ्ते में दो वीडियो तो ले ही आऊँ, तो ये मेरी कोशिश रहेगी। अभी हम इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करके और ऐसे लगा देंगे जैसा कि आप देख ही रहे हैं सब में, और बिल्कुल ऐसे ही हम दूसरी साइड से भी इसको ग्लू कर देंगे। और ग्लू करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देंगे। ओके, अब जो वो बचा हुआ पार्ट था ये वाला, इसमें हम कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे, पतली लेयर फोल्ड करेंगे और इसको हम कट कर देंगे। अब ये किस लिए? ये उसी में एक डिज़ाइन पॉपअप के लिए इसमें बनाया जाएगा स्क्वायर करके। तो इसको भी हमने हाफ किया और इसको खोलने के बाद हम इसके हाफ से कट कर लेंगे। अब जो हाफ है उसको हम इस तरीके से फोल्ड करके और स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, तो इसको इस तरीके से एक साथ रखने के लिए इसको हम सेलो टेप की मदद लेंगे और सेलो टेप की मदद से हम इसको इस तरीके से स्टिक कर देंगे। और अब ये हमारा स्क्वायर बनके रेडी है। ऐसे ही हम दूसरा वाला रेडी कर लेंगे। और अब इसे किस तरीके से लगाना है ये देखिए, चिपक चुका है। और इसको हम कुछ इस तरीके से प्रेस करेंगे जिससे कि ये अच्छे से इस पर रुक जाए, और हम इस तरीके से लगाएंगे। तो अब हम इसमें ग्लू लगाएंगे। ठीक है, तरीके से हम इसे चिपका देंगे और बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी स्क्वायर लगा देंगे। और अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके फिर से ग्लू सूखने के लिए छोड़ देंगे। और ये तीन कलर के हमने पेपर ले लिए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बनाएंगे हार्ट शेप। आप चाहें तो फ्लावर भी बना सकते हैं, सर्कल भी बना सकते हैं, स्टार भी बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो शेप आप वो ले सकते हैं। तो अभी हमने तीन पेपर लिए हैं ना अलग अलग कलर के, तो जब हम कट करेंगे इसको हमें अच्छे से पकड़ के हम इसे कट करेंगे, देन तीन कलर के हमारे ये हार्ट शेप अलग अलग शेप के निकल आएंगे। ठीक है, तो हम पहले इन्हें कट कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये हार्ट शेप हमारे रेडी हो चुके हैं। और अब हम ये कार्ड भी हमारा सूख चुका है जिसमें हमने ये ग्लू किया था स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे ये देखिए, आपको दिखाने के लिए मैं इसे कुछ इस तरीके से रख रही हूँ। और अब हम यहाँ पर ये देखिए कितने हार्ट शेप बन चुके हैं, और इसे हम इस तरीके से इस पर ग्लू करेंगे। तो ये प्रोसीजर आप देख सकते हैं, इसमें बताने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, आप कलर अपनी मर्जी के चूज़ कर सकते हैं, जिस भी कलर के आप हार्ट शेप बनाना चाहते हैं या फ्लावर बनाना चाहते हैं या फिर सर्कल या फिर स्टार, जो भी आपको शेप पसंद हो आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं अपने मनपसंद कलर का। तो मैंने कॉन्ट्रास्ट कलर कॉम्बिनेशन लिया है और इसे हम अच्छी तरीके से ग्लू कर लेंगे। ठीक है,
और ये ग्लू हो चुका है दोनों साइड। अब हम इसे सीधा कर लेंगे और ये जो बाकी का पोर्शन है इसमें भी बचे हुए हार्ट शेप लगा देंगे। ये मैं एक बार फोल्ड करके देख रही हूँ, खुल जाएगा या नहीं। और फिर ये देखिए, यहाँ पर हम बचे हुए हार्ट शेप लगा देंगे। और अब मैं इसमें लिखने वाली हूँ हैप्पी न्यू ईयर। तो ये मैंने ब्रश पेन कलर यूज किए हैं इसके लिए। तो अभी हमारा अंदर की साइड से बनके रेडी है, बाहर की साइड अभी हमें इसे रेडी करना है। तो फिर से मैं जो बचा हुआ पेपर था, जो तीन पेपर थे अलग अलग कलर के, उसमें मैंने बलून शेप इस तरीके से कट करके निकाल लिए और बलून हम इस तरीके से इस पर ग्लू कर देंगे इस तरीके से। तो अब हम बलून लगा चुके हैं और ये ब्रश पेन की मदद से हमने इसकी डोरी बना ली है। और अब हम लिखने वाले हैं हम यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अंदर की साइड लिखा था, बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ लिख रही हूँ, बस थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर दिया है। और यहाँ पर मैं कुछ बर्ड्स भी दिखा दूंगी। तो ये कार्ड हमारा कुछ इस तरीके से बन के रेडी है, ये देखिए। और ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है इसका फ्रंट। और अभी मैं दिखाऊंगी अंदर की साइड भी, ये देखिए, ये अंदर से कुछ ऐसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा है तो पिंक हार्ट कमेंट करें। और आप सभी को मैं बहुत 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 शुभकामनाएं देती हूँ नए साल की। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। हैप्पी न्यू ईयर 2024। Thanks for watching. Bye-bye. Ta-da!